हथियारों की नोक पर बदमाशों ने शर्मा परिवार को बनाया बंधक, लाखों की डकैती डाली। मामले की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस, दर्ज किया मामला। अलमारी की चाबी लेकर निकाले जेवरात, किसी नजदीकी के वारदात में शामिल होने की सुगबुगाहट। शिवपुरी में पुलिस व्यवस्था चारों खाने चित्त दिखाई दे रही है। यहाँ पर चोरी, लूट और डकैती की घटनाएं आम होती नजर आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला आज फिर सामने आया है, जिसमें गणेश कॉलोनी में निवास रहे शर्मा परिवार को आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने हथियार की नोक पर बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया है। बदमाश यहां से नकदी सहित लाखों रुपए का माल समेट कर फरार होने में सफल रहे। मामले की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची संबंधित थाना कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ डकैती का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में कोतवाली थाना प्रभारी TI सुनील खेमरिया का कहना है कि अज्ञात बदमाशों के खिलाफ डकैती का मामला दर्ज कर लिया गया है, जल्दी आरोपियों को चिन्हित करने के बाद उन्हें पकड़ा जाएगा। जानकारी के अनुसार संजय शर्मा पुत्र आशाराम शर्मा उम्र 35 साल निवासी खंडेलवाल फैक्ट्री के पास गणेश कॉलोनी बीती रात अपने घर में परिवार सहित सो रहे थे। इसी दौरान तड़के लगभग 4 बजे आधा दर्जन से अधिक हथियारबंद बदमाश छत के रास्ते से संजय शर्मा के घर में प्रवेश कराए। बदमाशों ने घर में अंदर प्रवेश करने के बाद अन्य कमरों के गेट तोड़ते हुए वे सीधे उस कमरे में जहां पहुंचे जहां पर संजय अपने परिवार के साथ सो रहे थे। बदमाशों ने संजय को जगाते हुए उसके सर पर कट्टा तान दिया। हथियारों की नोक पर से घर में रखे 2.5 लाख रुपए नगद सहित सोने चांदी के जेवरात लूट ले गए। इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देते समय बदमाशों ने संजय शर्मा के दोनों बच्चों को दूसरे कमरे में बंद कर दिया था। पीड़ित परिवार के मुखिया संजय शर्मा ने बताया कि उसके कमरे में 4 बदमाश अंदर घुसे थे, जिन्होंने घटना को अंजाम दिया, जबकि कुछ अन्य बदमाश बाहर खड़े हुए थे। बदमाश संख्या में 7 से 8 बताए जा रहे हैं। संजय का कहना है कि बदमाश ने उसकी पत्नी के गले पर चाकू भी लगा दिया था और चाकू के जोर पर उसके गहने भी उतरवा कर लूट कर ले गए। संजय शर्मा का कहना है कि बदमाशों ने हथियारों की नोक पर उससे अलमारी की चाबी ली और ताला खोलते हुए अलमारी के अंदर से सोने चांदी के पूरे जेवरात निकाल लिए। बदमाश यहां से 2 सोने के हार, 7 सोने की अंगूठी, 2.5 लाख रुपए नगद, 3 मोबाइल, LED और गाड़ियों की चाबियां अपने साथ लेते हुए पूरे परिवार को कमरे में बंद कर बाहर से कुंडी लगाकर भाग खड़े हुए। बताया जा रहा है कि इस घटना में बदमाश बार बार घर में बहुत सोना होने की बात कर रहे थे, जिसके चलते माना जा रहा है कि उक्त वारदात को अंजाम देने में किसी नजदीकी का हाथ भी हो सकता है। डकैत यहाँ से नकदी सहित लगभग 10 लाख रुपए का माल ले जाने में सफल रहे हैं। पुलिस को बताया, कुछ बताया, क्या नाम है आपका? संजय शर्मा। संजय जी, ये चोरी की वारदात हुई, ये क्या कैसे? 5-7 चोर थे, उनने आके एकदम हमला बोल दिया। हमला बोलने के बाद बोले सामान चट्टा दे दो हमें। मैंने उनको चाबी दे दी, मैंने कहा ले जाओ, सब ले गए। क्या क्या ले गए? वो 2 हार ले गए, 7-8 अंगूठी ले गए, 2-2.5 लाख रुपए थे वो भी ले गए, 3 मोबाइल ले गए, LED ले गए, दोनों गाड़ियों की चाबी ले गए, सारा सामान ले गए। कितने बजे की घटना है? 4:30 बजे की घटना है। कहाँ से आए थे तो चोर? वो सामने से आते हुए नहीं देखा, जाते हुए देखा, इधर सामने की गली रास्ते से निकले सारे 7-8। अच्छा, तो आपको बंधक बनाया था क्या? हाँ, उस समय। हाँ, क्या क्या हथियार थे उनके पास? उनके पास रिवॉल्वर हो या कट्टा, और कुछों के पास सब्बल थे। तो आपको, आप पे क्या क्या कट्टा लगाया था, क्या किया था? कट्टा लगा दिया था मेरे ऊपर। कट्टा लगा के सारा सामान। पैसे कितने ले गए? 2-2.5 लाख।